हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। प्रिया समसर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आ चुके हैं आरती पूजा पाठ करने के लिए। आज हस्बैंड जी छुट्टी लिए नवरात्रि के दूसरे दिन, और यहाँ पे सब लोग नहा धो के, देखिए बेटी को इतना पसीना हुआ जैसे रन लग रहा है, नहा के आइए। तो यहाँ पे हम लोग पाठ कर लिए, आरती चालू कर दिए। टाइम लॉक्स हम लोग लेट चालू किए क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं था, डेली याद नहीं रहता है, आदत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे हो गया है पूजा पाठ। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, कैसा लगा आपको हमारा नवरात्रि का सब ब्लॉग, कैसा लग रहा है। 9 दिन का 9 ब्लॉग बनेगा, आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए, प्यार दुलार बरसाते रहिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे नवरात्रि का दूसरा दिन है, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे दूसरा दिन का नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए यहाँ पे हम पूजा वूजा कर लिए हैं, पाठ आप लोग देखे ही होंगे ब्लॉग में। और चलिए अब चलते हैं नाश्ता की तरफ, क्योंकि सब लोग कल के उपवास, जैसे कि बच्चे भी, तो बच्चे बहुत भूखे हैं। अरे एक लोग को तो मैं बना के दे दी हूँ, वो बोली थी मम्मी मुझे पिज्ज़ा और ब्रेड बना के दो, मतलब जो जितना सामान पिज्ज़ा में लगता है ना उतना मैं ब्रेड के ऊपर डाल के उनको बना के देती हूँ। तो वो 3 लेके गई हैं। और यहाँ पे उनका क्या हो रहा है मस्ती, तो यहाँ पे दोनों भाई बहन कर रहे हैं मस्ती बहुत। पहले पैंट डालो उसको, नहीं तो दोनों को वीडियो मिलेंगे नहीं। तो आज हैं हस्बैंड जी घर पे, तो देखिए छोटी वाली लड़की के लिए उसको लगी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं चाय हुए ब्रेड और सोची दे दी कि मतलब थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, लेकिन हस्बैंड जी ने लगे उसके लिए कुछ अलग ही सोचे थे बनाती। पहले चलते हैं मंदिर में, आपको दिखाते हैं कैसे पूजा पाठ। तो देखिए ये हमारी अखंड ज्योति है, और यहाँ पे सब धूप वूप जल चुका है एकदम। और देखिए अड़बल का फूल वूल एकदम मस्त आ चुका है, आज 4 अड़बल का फूल मिला था। तो यहाँ पे सब तैयारियाँ हो चुकी है, मस्त पूजा पाठ भी हो चुका है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो यहाँ पे देखिए हम छोटे छोटे भगवान जी को कैसे एडजस्ट किए हैं, क्योंकि क्या बताया यार, यहीं पे नहीं, यहाँ पे भी देखिए, कल भी दिखाए थे आपको। तो देखिए हमारा कृष्ण भगवान कितने छोटू से मुरली लेके, तो मतलब ऐसे ऐसे करके मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, और माता रानी की कृपा से। अगर आप दूसरा रूम कभी लेंगे ना, तो पहले एक मंदिर का रूम लेंगे, उसमें बनाएंगे सेपरेटली, ताकि कितना भी मंदिर फोटो हो उसमें हम अलग से कर सकें। माता रानी को बताओ, यहाँ हमें सारे भगवान को रखना पड़ता है। और यहाँ पे लोग सो के उठ के कर रहे हैं मस्ती, तुमको भूख लगी थी ना, मस्ती करने में नहीं भूख लगी है, तो चलिए अब दिखाते हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरे से एक कांड हो गया बहुत बड़ा, यहाँ पे कॉफी का फूट गया पूरा नीचे। और यहाँ पे चल रहा है देखिए डेकोरेशन, यही करने में हो जाता है टाइम, तो इतना टाइम तो हमारे पास भैया नहीं थी कि हम करें। और ये देखिए ये पूरा किचन को बिखरा दिए हैं, सुबह सुबह बोले आलू बॉईल कर दो, तो मैंने आलू बॉईल कर दिया है। अभी पता नहीं क्या, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग को सादा सादा ही खाना पड़ रहा है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हस्बैंड जी रेसिपी कितना अच्छा बना रहे हैं। आपको हम सब कुछ अच्छे से बता देते हैं। देखिए पहले ब्रेड लिए, घी लगाए, हरी चटनी लगाए, गाजर घिस के लगाए हैं, आप क्या लगाओगे। हम खा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद, कल का आया है गांव देवी मंदिर से। अंसे लो प्रसाद, इसके बाद काकड़ी जाएगा, इसके बाद काकड़ी डाल रहे हैं, फेंक दिया कहीं प्रसाद जाकर। उसके बाद नमक डाल देंगे, उसके बाद मुझे मैं फटाफट बता दे, उसके बाद काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, उसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे, उसके बाद पाउडर नहीं चाट मसाला है, चाट मसाला है, मुझे लगा धनिया पाउडर, मैं देखी नहीं, चाट मसाला है ना पक्का ना, हाँ यार चाट मसाला है। उसके बाद डाल देंगे शिमला मिर्ची के टमाटर, उसके बाद आएगा टमाटो, उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्ची, शिमला मिर्ची नहीं डालेंगे, उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम। अच्छा वही कैप्सिकम, अंग्रेज के बच्चे। उसके बाद क्या डालोगे, चीज नहीं, मेयोनीज डालेंगे, इसके बाद नहीं डालेंगे, उसके बाद डालेंगे आलू, आलू बटाटा जिसको बोलते हैं, अरे बाप रे, उसको कब सिखाएंगे, उसको आलू, वाह वाह भाई वाह, उसके बाद डालेंगे उसके बाद
बता ना यार, इतना स्लो स्लो कौन बताता है। सब तुमको बता दूंगा तो फिर मेरा क्या काम रहेगा। इतना स्लो स्लो कौन बोलता है, बोरिंग होती हूँ मैं। वीडियो बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बट यार भगवान, थक जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर नमक डालेंगे। ये भगवान, काला नमक भी डाल दो। उसके बाद फिर थोड़ा सा काला मिर्च डालेंगे। फिर चाट मसाला डालेंगे। काला नमक नहीं डाले? डाला ना, काला नमक ही है ना। कहाँ काला नमक है? जो आप खाते हो, क्या खाते हैं हम लोग? काला नमक ही खाते हैं, रॉक सॉल्ट ही खाते हैं ना। सफेद नमक क्यों बोले? यहाँ पे देखो बातें करते करते जला नहीं है, लाल हो गया, मस्त लगता है। डाटा डालने के बाद यहाँ पे डाल दिए म्यूनिस। चलिए यहाँ पे एक हो गया है और यहाँ पे एक पक भी गया है, तो चलिए हम देते हैं जिसके लिए बन रहा है। वो बहुत बेचैन है, बेताब है, एकदम बैठी हुई है हाथ दिल थाम के। तो दे 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 दे। इनकी एकदम तड़प रही थी आत्मा इसी चीज के लिए, है ना, जो कि परेशान थी बिचारी। कल कैसे भूख गई मुझे, वो खाली शौक के मारे भूखी थी, मतलब इसका कुछ इच्छा नहीं था अंदर से भूखने का, है ना। दिल से तो नहीं रखी थी उपवास, क्योंकि तुम्हारी इच्छा हो रही थी ये चीज खा लूँ वो चीज खा लूँ, ब्रेड खा लूँ ब्रेड। तो चलिए भाई, कैसा बना है ये बता दो, क्रेडिट कैसा जा रहा है? मस्त बहुत अच्छा, वाह पापा की मेहनत हुई सफल, वाह। चलो तब हमको भी खिलाओगे तब ना बताएंगे। अरे हम जा रहे हैं अपने लड़के को खिलाने भाई। नहीं अंतु अरे बाप रे, आप देख सकते हैं गाइस इस चेहरे के पीछे का राज। दिखने में कितने सीधे साधे हैं, आवाज आज ओरिजिनल आवाज आया है कैमरे में हमारे, हम इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे ही डालेंगे। आप जरूर बताइएगा, अब ये सीधे साधे चेहरे के पीछे का राज है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बताया। अभी जस्ट रेडी वेडी होके थोड़ा आराम रेस्ट कर लिए थे आज, तो सोचे दोपहर में चली आज, मतलब वीडियो थोड़ा अलग ही लुक में बनाते हैं, तो क्या बताया, एकदम दिमाग खराब हो गया। जैसे ही रेडी हुई वैसे ही लाइट चली गई। तो ऐसा आप लोग के भी साथ होता है क्या, कमेंट करके बताइए। बहुत गुस्सा आ रहा है मन का। अब सब इतना मेहनत से पहने लगाए, लाइट नहीं आएगी तो समझ लीजिए बहुत बुरा ही। फिर एकदम वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। और चलिए, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, आप लोग के साथ तो कितने बार हुआ होगा। आप क्योंकि आप लोग डेली ब्लॉग बनाते हैं, हम जब साड़ी वगैरह पहनते हैं तभी बनाते हैं रील्स, नहीं तो ऐसे शॉर्ट ऐसे तो जब लाइट पंखा रहता तब समय देख के बनाते हैं। कोई बात नहीं है, देखते हैं 10 मिनट और आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो बस मेकअप वेकअप पोछ देंगे, क्योंकि मेरे से नहीं इतना ज़्यादा देरी तक नहीं रहा जाता है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, अभी जाते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट बनाएंगे, मस्त मस्त रील्स बनाएंगे। आप देखना ज़रूर जाके शाम तक, और शाम तक सब रील्स छोड़ भी जाएंगे। नहीं जो नहीं शाम तक जा पाएंगे तो सुबह में जाएंगे, आप देखिएगा ज़रूर, कमेंट करके भी बताइएगा कैसा रहा। सो हे गाइस, फाइनली देखिए यहाँ पे सब मेकअप वेकअप एकदम उतर गया है, पसीने से टपक उपक गया, हम पोछ लिए, मतलब काजल एक नहीं पोछे तो वो भी जा रहे थे धोने के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी मतलब जलने लगता है मेरा स्किन। तभी ये देखिए लाइट आई है, तो एकदम हद ही हो जाती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता, कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हुआ। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ मेरे साथ। तो चलिए अभी टाइम हो गया 6:30। अरे न गुनगुन 7 बजे वाला है, उठो चलो, दिया हुआ नहीं जलाना है, उठो उठो उठो। चलिए अब पूजा आरती कर लेते हैं, मिलते हैं वीडियो में, बने रहिएगा। तो हे गाइस, यहाँ पे देखिए शाम को हम लोग पूजा आरती पाठ में लग गए हैं। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड जी पाठ करते, मतलब 40 हम लोग करते हैं, पाठ नहीं करते, वो जो 9 दिन पाठ करते हैं वो नहीं करते अभी, और वो कलश रख के नीचे करेंगे। हमारा बहुत मतलब हमारा बहुत मन है, इच्छा है हमारे दिल की हम ये काम करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि। आप सब लोग को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग नवरात्रि में बहुत खुश रहते हैं, पता नहीं लेकिन आज क्या हो गया मुझे कि नवरात्रि के दूसरे दिन ही हम बीमार हो गए हैं।
और चलिए आप वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे मस्ती पूजा पाठ करने के बाद कितना मस्ती चल रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए। सो हे गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारी हालत बहुत खराब हो गई है, मतलब जो लाइट नहीं थी ना दोपहर में, इतना ज्यादा सर और वो दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो वीडियो कर देते हैं एंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवरात्रि के तीसरे दिन में, अगर हालत सही रहेगी तो मिलेंगे ही, नहीं मिल सही रहेगा तो क्या बताएं। तो बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास भी जाने के लिए ना मेरा मन नहीं कर रहा था। हस्बैंड से बोली हूँ डॉक्टर से बात करा दीजिएगा मुझे फोन, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ सर दर्द हो रहा है और सर्दी इतना ज्यादा है ना, और उसके बाद एक गले में इन्फेक्शन है, ये तीन चीज है मुझे, और मुझे पता है ये बिना दवा का जाता नहीं मेरा। गाइस को दिखाओ, गाइस को। अरे यहाँ पे देखिए हमको क्या लेके आया, क्या बोलो, थैंक यू बोलो मम्मी को, वेलकम बेटा। मेरा बेटा ना मेरी लड़कियों से ना बहुत अच्छा है, मेरी लड़कियां कभी भी तारीफ नहीं करती, मैं कुछ लाती हूँ तो कभी नहीं बोली होंगी मम्मी थैंक यू, बचपन में झूठ बोलती हूँ, अभी नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ, जो भी है हकीकत है बेटा, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा लड़का ना सबको थैंक यू मम्मी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मम्मी, इतना प्यार से बोलता है ना कि आप कितना भी बीमार रहोगे ऐसा मन करेगा कि लेके चिपक जाओ। तो बाप रे, मैं वीडियो को कर देती हूं यहीं पे एंड यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।